आज हम ये डिज़ाइन सीखेंगे। ये डिज़ाइन में दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा करके बिठाना है। इसमें 10 सिलाई तक मैंने 10 सिलाई ये बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने ये दो जो डिज़ाइन है बना के रखा है। इसमें ये कि बीच बीच में जो एक सीधा है उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनेगा। एक फंदे ऐसे उतारना है, ये दो फंदे बुनना है जो दो उल्टा बना रहे हैं, और ये इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनेगा। ये एक का पांच बनाना है। ये एक फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ लाना। ये एक ऐसे बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ लाना है। ये दूसरा फंदा हो गया, धागा बाहर को ले जाना है। ये तीसरा फंदा हो गया और धागा अंदर को, चौथा धागा धागा पार को, पांचवे फंदे हो गए, पांच फंदे। उसके बाद दो उल्टा बनाना है, दो उल्टा। और एक पे पहले डिज़ाइन बना दिया है, अब इसको प्ले एक सीधा बुनते जाना है, जब तक ये दूसरा जो डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होने तक इसको एक को ऐसे बनाते जाना है। अब इसमें पहले एक छोड़ के एक पे बनाया था डिज़ाइन, अब इस बार जो जिस पे बन गया था डिज़ाइन उसको छोड़ के जो दूसरा छोड़ा हुआ था उस पे डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन में ये एक फंदे पे पांच फंदा बनाना है। ये पांच फंदे हो गए, ये दो उल्टा, जो पहले डिज़ाइन बना के कंप्लीट हो गया उसको एक सीधा बनाना है। एक सीधा, दो उल्टा। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये दो उल्टा बनाना है, एक सीधा, दो उल्टा, और एक सीधा जो था उसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा। एक धागा अंदर अपनी तरफ लाना, दो धागा पार की तरफ ले जाना, तीन धागा अपनी तरफ लाना, चार धागा पार की तरफ ले जाना, ये पांच। अब दो उल्टा बनाना और एक लास्ट का ऐसे बुनना है। अंदर से बनाते समय जो पार का जो दो उल्टा है वो अंदर से दो सीधा आएगा, दो सीधा आ गया। अब हमने जो एक पे जो डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन बनाया हुआ उसके वो अंदर से सीधा पार से उल्टा बुनेंगे। धागा पार तरफ रख के ही इसको उल्टा बनाना है, दो तीन चार पाँच। पाँच ये बुंदी बुंदी वाला फंदे है, और दो दो जो आरे परे केप का है। पाँच चार नौ फंदे उल्टा बनाएंगे हम, नौ फंदे पार की तरफ बनाएंगे। अंदर की तरफ जो सिर्फ एक जो पार की तरफ एक सीधा चल रहा है वही बुनेंगे। ये जो डिज़ाइन है वो धागा अंदर से नहीं लगे पार से ही बुनना है। एक सीधा एक उल्टा आएगा, जो बाहर से जो सीधा चल रहा है वो अंदर से उल्टा आ रहा है। बाकी बाहर से जो उल्टा चलेगा वो अंदर से सीधा ही आएगा। जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है वो उल्टा ही आएगा, बाहर साइड से उल्टा आएगा, अंदर से सीधा हो जाता है। ये दो उल्टा, दो अंदर से सीधा, एक अंदर से उल्टा, धागा पार को ले जाना है और ये सारा उल्टा आएगा, दो ये अंदर को नहीं आएगा, ये पार को ही रहेगा। हाँ, इस साइड को ही जो डिज़ाइन हो धागा पार को ही रहेगा।
एक उतारा तो उल्टा आएगा, ये सब जो बाहर से भी उल्टा ही आएगा जो डिज़ाइन बनाया था। 9 फंदे हो गए इसमें, 2 आरे परे से जो 2 उल्टा चल रहा था उल्टा ही चलेगा, जो एक सीधा है वो अंदर से उस मतलब बाहर से सीधा ही आएगा, तो अपनी तरफ जो सीधा एक सीधा आएगा, बाकी सब उल्टा 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 आएगा। एक 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 जो बीच में एक एक जो डिज़ाइन नहीं बनाया है वो सीधा आएगा। ये सब उल्टा आ रहा है देखो, एक सीधा 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे आते हैं। अंदर से बनाते समय वही होता है, वही चलेगा, जो बाहर से एक सीधा चल रहा है वही अंदर से उल्टा आएगा, बाकी बाकी सारा सीधा सीधा चलता रहेगा जब तक वो डिज़ाइन क्लोज ना हो जाए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे सीधा और एक उल्टा, 9 फंदे सीधा अंदर से एक उल्टा आएगा। ये बाहर से ये जो 5 सिलाई उल्टा डिज़ाइन जहाँ से डिज़ाइन बिठाया वहाँ से 5 सिलाई उल्टा होने तक बुनते जाएंगे। जब 5 सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको क्लोज करके डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक सीधा जो डिज़ाइन है वो वहाँ पे उल्टा आएगा, बाकी एक एक जो बीच बीच में एक एक सीधा है वही सीधा चलेगा। ये सिलाई कंप्लीट हो गया, अंदर से वही है सिर्फ एक एक जो बाहर से जो सीधा आया वही उल्टा आएगा, बाकी तो सीधा सीधा बुनना है, ये सब सीधा बुनेंगे। जो बाहर से एक सीधा जो चल रहा है वही एक अंदर से उल्टा आएगा। एक उल्टा बाकी 9 फंदे सीधा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधा है, एक उल्टा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधा एक उल्टा, बाकी 9 फंदे सीधा आएगा।
ये अब पांच फंदे अभी पांच फंदे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये जो पांच एक का पांच किया था उसको पांच का एक कर देना है, एक पांच का एक कर देना है ऐसे, पांच का एक, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, ये पांच का एक कर देना जो डिज़ाइन वाला है, पांच का एक कर देना। ये पांच सिलाई के बाद हम डिज़ाइन क्लोज करेंगे। डिज़ाइन बिठाने के बाद पांच सिलाई उल्टा आना चाहिए, जिस साइड डिज़ाइन बनाया उस साइड हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा उल्टा गिन के पांच उल्टा होने तक बनाना, जब छठवा उल्टा में हम पांच का एक कर देंगे, पांच का एक कर दिया जैसे। ये पांच का एक कर देना। अब अगली बार जब अंदर से ऐसे जैसे है वैसे ही बनाते जाना है, जैसे मतलब कैसे होगा, दो एक दो एक दो एक होगा इस बार। अगले सिलाई में जब बाहर से जब हम बनाएंगे तब हम जो डिज़ाइन क्लोज किया उसके ऊपर एक सीधा करेंगे। जो हम डिज़ाइन नहीं बना के एक सीधा सिंपल बना रहे थे उसके ऊपर हम डिज़ाइन बिठाएंगे। ये डिज़ाइन बन के बहुत सुंदर लगता है। इसको हम डेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी सेट किसी में भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो एक